नमस्कार, आप देख रहे हैं किस तरीके से वीरा सच्चा सौदा में आज करें 23 सितंबर 2019 का दिन गुरु गद्दी का श्री दिवस यानी कि महापर्व का दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और ये रीत रही है डेरा सच्चा सौदा की, उनके यहाँ के शिष्य यानी गुरु जी के जो शिष्य हैं वो किस तरीके से अपने हर दिन को मनाते हैं, खुशी के रूप में मनाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं परमार्थिक कार्यों के साथ, मानवता भलाई के कार्यों के साथ। इन्हीं में से एक कार्य है मानवता के लिए ब्लड डोनेशन का। तो इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगा डेरा सच्चा सौदा में। और ये कैंप लगाया गया बापू मगर सिंह के इंटरनेशनल ब्लड बैंक में। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत से डोनर्स पहुंचे हैं, बात करते हैं किस तरीके से वो यहाँ पहुंचे, क्या जज्बा रहा उनका, कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या नाम है, करते हैं बात। जी भैया, क्या नाम है आपको? राहुल जी, आप कहाँ से आए? आज आपने ब्लड डोनेशन किया, दिवस है महापरोपकार का, महापरोपकार से आपका क्या मतलब है, मतलब किस रूप में किस तरीके से इसको महापरोपकार कहा जाता है? महापरोपकार हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं आज के दिन। आज के दिन गुरु जी ने गति ली थी, तो 123 मानवता भलाई के कार्य हैं जिनमें से एक कार्य है ब्लड डोनेशन का जो हम करने आए हैं, मैं और मेरे फादर हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन ऐसे ही हम इनमें बीकानेर जाके ब्लड डोनेशन करके आए एक बच्चे के लिए कैंसर पीड़ित था। ऐसे ही हमें 23 मानवता भलाई कार्य हैं जो दिन प्रतिदिन जो जैसे दिवस आते हैं वैसे करते रहते हैं। जी बहुत अच्छी बात कही आज आप और आपके फादर दोनों ही एक महान कार्य के लिए यहाँ पहुंचे हैं और इस पावन दिवस के पहुंचे हैं, तो कैसा फील करते हैं, कैसा ये जो जज्बा आपने आता है कहाँ से? फादर जी आपके इसी कार्य में यानी बहुत अच्छे कार्य में मानता भलाई के लगे हैं और आप एक यंग हैं, यूथ हैं, कैसा लगता है? बहुत आज की तारीख में अपने यंग साथियों के लिए क्या संदेश? हम तो जी बहुत अच्छे कार्यों में जुटे हुए हैं, मानवता भलाई के कार्य करते हैं, हम चाहते हैं वो भी लोग आए लेने में और मानवता भलाई के कार्य करें और देखें कैसे मानवता भलाई के कार्य करने में कैसे खुशी मिलती है, अंदर से रूम में खुशी आ जाती है। इस खुशी का इजहार यानी इस दिन को मनाने की खुशी आप एक जान बचाकर यानी जिंदगी बचाकर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। देखा आपने किस तरीके से इस यंग एज में इस लड़की के जज्बे को डेरा अनुयायी है, श्रद्धालु है बाबा गुरुकृष्णा हरिम सिंह जी का, और किस तरीके से जान बचाते हैं ये छोटे छोटे नौजवान कहें, आने वाले देश के भविष्य कहें, और इस समाज को एक ऐसी राह पर लेकर जा रहे हैं जिसकी वाकई ही आज के समय में समाज को जरूरत है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं ये जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा गया, इन्हीं की जुबानी आपने सुना शाह गुरु संत गुरु मित्रा।